मेरठ में आयोजित दूरदर्शन के इस कॉन्क्लेव के इस भाग के प्रायोजक हैं LIC हर्पल आपके साथ, FSSAI इंस्पायरिंग ट्रस्ट अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड और NBCC 61 इयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बिल्डिंग द नेशन और हमारे मीडिया पार्टनर हैं दैनिक जागरण। मित्रों 1950 में मेरठ से लगभग 35 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक स्थल विदुर का टीला की पुरातात्विक खुदाई से यह ज्ञात हुआ कि यह शहर प्राचीन नगर हस्तिनापुर का अवशेष है जो महाभारत काल में कौरव राज्य की राजधानी थी। गंगा और यमुना इन दो पवित्र नदियों के बीच बसा हुआ यह शहर और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्राचीन काल से ही आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण अंचल रहा है इस देश का। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में 10 फरवरी को प्रथम चरण में यहां मतदान होना है और इस सत्र का विषय भी यही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश क्या है मुद्दे। इस विषय पर हमारे बीच मंच पर पधारे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के श्री सतीश प्रकाश, समाजवादी पार्टी के श्री बाबर चौहान, उद्योग जगत के श्री पंकज गुप्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिमन्यु त्यागी और दैनिक जागरण मेरठ के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार श्री JP पांडे। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय से कृपया मंच पर पधारें और सबका सम्मान करें और अपर महानिदेशक महोदया सुश्री प्रिया कुमार जी कृपया मंच पर आएं और दूरदर्शन परिवार की ओर से इन सभी पैनलिस्ट्स का सम्मान करें। आपके शहर में आयोजन हो रहा है, मैं चाहूंगा आप सब इस आयोजन के साथ जुड़े रहें और बीच में अगर आप तालियां बजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और आपको ये कॉन्क्लेव पसंद आ रहा है। देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि और उसके साथ वरिष्ठ पत्रकार सभी मंच पर आसीन हैं। पश्चिम का चुनावी पंच लगभग अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है, लेकिन इस सेशन के बाद हम आपको भारत सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री महोदय का भी साक्षात्कार उनसे करवाएंगे। तो फिलहाल आप आनंद उठाएं, इस सेशन का सम्मान हो रहा है यहाँ पर सभी प्रतिनिधियों का। बहुत बहुत धन्यवाद अपर महानिदेशक महोदया और बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय। अब मैं सत्र का संचालन करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्री अशोक श्रीवास्तव को इनवाइट करता हूं। अशोक जी पधारें। नमस्ते। तो आप DD कॉन्क्लेव से लगातार जुड़े हुए हैं दोपहर से और हम मेरठ में हैं। बात पश्चिम की हो रही है, मेरठ एक तरह से कहें तो जो पहले सत्र का जो पहले चरण का मतदान होना है उसका एक तरह से केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं, हालांकि काफ़ी विस्तृत एरिया है, लेकिन मेरठ जो है यहाँ की राजनीतिक आवाज़ मानी जाती है इस पूरे इलाके की। और जो हमारे साथ इस पैनल में लोग जुड़ रहे हैं वो यहाँ की आवाज़ माने जाते हैं। तो आइए इस सेशन की शुरुआत करें और इस सेशन में हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये जो पहले दौर का चुनाव है यहाँ के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि अब तक सुबह से हालांकि कई तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मुद्दे बताए, लेकिन कुल मिलाकर इस बार हम कोशिश करेंगे फोकस हमारा ये रहे कि इस पहले चरण के चुनाव के मुद्दे क्या हैं। और मैं फिर वादा कर रहा हूं कि मैं जरूर हमारे जो ऑडियंस है मैं उनसे सवाल लूंगा, क्योंकि असली मुद्दे जो हैं राजनीतिक पार्टियों के नहीं होते, जनता के मन में जो मुद्दे होते हैं वो असली मुद्दे होते हैं जिन पे वोट डलते हैं। तो चलिए मैं परिचय करवा देता हूं जल्दी से। मेरे साथ राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, यहाँ के सांसद हैं, बड़े लोकप्रिय सांसद हैं, लगातार यहाँ से जीत पे जीत दर्ज करते हैं। तो राजेंद्र अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ बाबर चौहान जी हैं, समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और जो युवा समाजवादी पार्टी की शाखा है उसके अध्यक्ष हैं। मेरे साथ इसके अलावा जुड़े हैं अभिमन्यु त्यागी जी,
ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं। सतीश प्रकाश जी बीएसपी के प्रवक्ता हैं और कई चैनलों में आप इनको देखते रहोगे, लगातार सक्रिय रहते हैं। और इसके अलावा मेरे साथ पंकज गुप्ता जी हैं। पंकज गुप्ता जी हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन के पूर्व जो हैं अध्यक्ष हैं, कह सकते हैं कि यहाँ की जो व्यवसाय है उसके ऊपर खासी नजर रहेगी, उनसे ही सवाल यही होंगे। और इसके अलावा मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं जेपी पांडे जी, दैनिक जागरण के यहाँ के संपादक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शुरुआत राजेंद्र अग्रवाल जी आपसे ही करते हैं। मैं पिछले सेशन से एक सवाल उठाता हूँ और उससे शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हम मेरठ में हैं और मेरठ में सोतीगंज जो है वो मुद्दा एक बड़ा हो जाता है, और आप लगातार संघर्ष कर रहे थे सोतीगंज को लेकर के। आपने संसद में लगातार कई बार, कह सकता हूँ शायद एक दशक से आप संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के जो नेता जुड़े थे उन्होंने कहा ये आखिर में क्यों हुआ कि जब चुनाव आ रहे थे तभी सोतीगंज पे जो है वो सब होता है, इससे पहले आपकी सरकार 5 साल थी, पूरे 5 साल चली, तब क्यों ये कार्रवाई नहीं हुई जी? हाँ धन्यवाद, दूरदर्शन का भी और जितने भी हमारे इसके सहयोगी प्रायोजक हैं सभी का धन्यवाद। आप मेरठ में आए, आपका मेरठ में स्वागत भी है। देखिए सोतीगंज का जो विषय है आपने ठीक कहा, मैंने इसको पहली बार 2014 में उठाया और मुझे एक ऐसी बात हुई। सर एक मिनट, आप इससे पहले आगे बढ़े, मैं दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ बता देता हूं ताकि जब आप बार बार कहें तो लोगों की, जो देश भर का हमारा ऑडियंस वो जान सके, ये सोतीगंज मेरठ का वो इलाका था जहां ये कहा जाता है कि देश में जितनी गाड़ियां चोरी होती थी वो यहां आती थी, और यहां पर एक पूरा गैंग था जो इन गाड़ियों को काटता था और इनके पुर्जे जो है निकाल करके बेच देता था सोतीगंज बाजार। मैं उसी को बताने वाला था। कर्नाटक के हमारे एक मित्र सांसद थे, उन्होंने कहा कि मेरी अग्रवाल साहब एक गाड़ी मैं यहाँ रखता हूँ दिल्ली में, स्कॉर्पियो, और वो एक्सीडेंट में कुछ जरा खराब हो गई है और मुझे पता चला है कि आपके मेरठ में उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। तो मुझे हल्का सा पता तो था, मैंने कहा नहीं नहीं आपको ऐसी कुछ बात नहीं है, तो मैंने उस बात को टाल दिया। परंतु इस बात ने मुझको एकदम से क्लिक किया कि ये तो बड़ी बदनामी जो है, हमारा जो अपयश है मेरठ का ये दूर तक पहुँचा हुआ है। ये बातें 2011-12 की बात होगी, तो फिर मैंने इसकी तरफ ध्यान दिया और जैसा मैंने अभी कहा 2014 में मैंने पार्लियामेंट में पहली बार उठाया, कोई उसका प्रतिक्रिया नहीं हुई कहीं पर, कोई एक्शन नहीं हुआ किसी भी प्रकार का। मैंने प्रतीक्षा की, थोड़ा अन्य स्थानों पर भी उसकी चर्चा की, फिर 2016 में मैंने दोबारा उठाया उसको, और उस बार तो आपको ध्यान होगा मैंने ये तक कहा कि जो सदर का थाना है, मैंने रिकॉर्ड में किया है पार्लियामेंट के अंदर ही, संसद में बोला है ये कि सदर का थाना सबसे महंगे थानों में से एक है, क्योंकि वो सबके सब लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। यानी ऐसा कहकर कि मैंने, आप कह सकते हैं कि मैंने प्रशासन के ऊपर और शासन के ऊपर उंगली उठाई, परंतु उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। और बल्कि आंकड़े ये हैं, उस दौरान ये जो अवैध कटान का जो मसला था, चोरियां बढ़ गई, मोटरसाइकिल उड़ जाती थी, लोग विवाह में आए हैं बाहर जाएंगे तो उनकी कार उड़ जाती थी, और बाद में तो ये तक हुआ कि आपको जिस जौन सी कार चाहिए जिस प्रकार की वो हम उठा करके आपको दे सकते हो चोरी करके, ये स्थिति बन गई थी। बहरहाल कुछ नहीं हुआ। फिर 2017 में सरकार बदली प्रदेश की और मैंने इसको फिर उठाया तीसरी बार, उसके बाद कार्रवाई हुई। तो ये जो सारे विषय हैं ये सबके सामने हैं, और बेशक किसी ने यदि ये कहा है कि अब क्यों हुआ, तो कभी तो होना था, चलिए थोड़ा देर होगी होगी, लेकिन हुआ अच्छे ढंग से हुआ। हालांकि कार्रवाई इसकी 2019 से शुरू हो गई थी, उसके बाद जो है कुछ अन्य स्थानों पर फैल गया था, मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि और अन्य स्थानों पर फैल गया है ये, इसको भी नियंत्रित किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर के 2021 में जब मैंने पार्लियामेंट में इसको एक अंतर्राज्य गिरोह के रूप में मैंने इसकी चर्चा की, और मैंने ये भी कहा कि इसके अंदर कुछ आतंकवादी घटनाएं भी इससे जुड़ी भी हो सकती हैं, कुछ ड्रग ट्रैफिकिंग का विषय भी जुड़ा हो सकता है, तो मैंने बल्कि ये भी डिमांड की कि कोई इसके लिए केंद्रीय स्तर पर कोई विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए जो सब में समन्वय स्थापित करके इस काम को ठीक से इसको हैंडल करे। तो अंततः कार्रवाई हुई और हम सब जानते हैं कि एक जो बड़ा कलंक था जो मेरे ध्यान में कर्नाटक के ऑनरेबल MP ने लाया था वो काफ़ी हद सीमा तक समाप्त हुआ है, दूर हुआ है, और यहाँ जो बैठे में दर्शक मेरे उनकी मैं गवाही जरूर चाहूँगा, यदि वो चाहे तो बताएंगे बाद में, बिल्कुल उनकी गाड़ियाँ की चोरी की संख्या भी कम हुई होगी, ठीक है, मोटरसाइकिल बच्चों की उठना बंद हुई होंगी, कम हुई होंगी, तो एक बड़ा एक विषय था, ठीक है। ये ऑडियंस से मैं सवाल लूंगा, लेकिन उसके पहले जल्दी से सोतीगंज मेरठ के लिए एक मुद्दा है, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो आपको यहां जो पहले दौर चरण का चुनाव है
बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं इस पहले दौर के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा ही विकास मुद्दा रहा है। हमने 2014 का चुनाव भी लड़ा तो इसी आधार पर लड़ा कि हमने भी देखिए विकास किया है। हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रोजेक्ट किया, जो कुछ उन्होंने गुजरात में किया था उसका हमने उदाहरण प्रस्तुत किया और हमने विकास को ही मुद्दा हमेशा बनाया है। 2014 में जनता ने हम पर भरोसा किया, हमने विकास करके दिखाया, प्रधानमंत्री ने विकास करके दिखाया। उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 2017 के अंदर भी हमारे उस केंद्र सरकार के काम को लोगों ने पसंद किया और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनी। फिर जो दूसरे प्रदेश में भी सरकार बन गई, हमारी केंद्र में सरकार बन गई, जिसको हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं। निरंतर प्रदेश के अंदर भी 5 साल के अंदर विकास के इतने काम हुए, वही हमारा एजेंडा है। और यदि उसके साथ साथ हो सकता है आप आगे कोई प्रश्न करें तो कानून व्यवस्था की क्या बात है, ये जो है अन्य जो विषयों की क्या बात है, हम ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था यदि ठीक नहीं होगी, सुरक्षा यदि ठीक नहीं होगी, यदि बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे, यदि बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं होंगी, तो किसी भी प्रकार का विकास संभव ही नहीं है। उसका वातावरण तभी बनता है जब सुरक्षा हो। इसलिए सुरक्षा प्री कंडीशन है विकास की, लेकिन हमारे लिए मुद्दा केवल विकास है और उसके लिए जो भी कारक हैं हम उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और विकास करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि विकास हो सके। राजेंद्र जी कह रहे हैं विकास मूलतः मुद्दा है, लेकिन साथ साथ सुरक्षा भी एक मुद्दा है। और वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ तो एक बड़ा मुद्दा है। बाबर चौहान जी, समाजवादी पार्टी की बात करें तो आपके हिसाब से इस पूरे इलाके में आप लोग किन मुद्दों पर लड़ रहे हैं? क्योंकि बयानबाजी तो बहुत सुनने में आ रही है, लेकिन अगर ग्राउंड पे मैं कहूँ, जब आप लोगों के बीच जाते हैं, आपके पास माइक लगा हुआ है चलना, अच्छा, तो जब आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो क्या मुद्दे आप लोग को लगता है? मुद्दा है महंगाई, किसान, बेरोजगारी, जो हॉट मुद्दे है। और मुद्दे नहीं है, ये सच्चाई है। सबसे बड़ा मुद्दा किसान का है, बेरोजगारी का है। जिस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, रोजगारी पे, रोजगारी नहीं दिया, तो मेरे ख्याल से विफल है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। और अभी कानून व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, कल ही बाप बेटे की हत्या हुई है यहीं हमारे यहाँ, ट्रैक्टर पे जा रहे थे गन्ना डालने के लिए, तो कानून व्यवस्था भी, ये प्रमुख मुद्दे हैं हमारे। ठीक है, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव हो रहा है। पर क्या इसके लिए सवाल है कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप जो सत्ता में होता है उनकी कमियां तो गिनाते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी, इसको, इसका कोई रोड मैप है सपा के पास कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव है और कई बार ऐसा लगता है कि महंगाई जैसा मुद्दा है वो, कई बार कुछ लोग कहते हैं ये राष्ट्रीय मुद्दा है, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, बहुत सारे फैक्टर इसमें काम है, तो क्या आपके पास कोई जो है कह सकते हैं कि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड है, या फिर कह सकते हैं कि आपके पास कोई रिपोर्ट कार्ड? हमारे पास भी है रिपोर्ट कार्ड, जनता के पास भी है, और उसका रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट 10 मार्च को आने भी जा रहा है। ठीक है, सबको इस चीज का पता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये जो रोड मैप कह रहा हूँ, आपके पास रोड मैप है, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे? आप कंट्रोल अभी तो बताने वाली बात है ना, सरकार में आएंगे तो कंट्रोल भी होगा। 2014 से पहले पेट्रोल का मूल्य क्या था, डीजल का मूल्य क्या था, उसके बाद क्या है, हर चीज पे महंगाई। आज सरसों के तेल का मूल्य क्या है, इसके पहले क्या था, तो ये तो वो चीजें हैं जो लोग रोज यूज, रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं। मेरा सवाल होगा बाबर जी कि अगर आप पेट्रोल के प्राइस की बात कर रहे हैं, क्या आप, क्योंकि आपके वादे हो सकते हैं चुनाव में, क्या आप ये कह सकते हैं कि जो टैक्स है पेट्रोल पर, अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो वो टैक्स कम करेगी? क्योंकि ये बात सभी करते हैं, लेकिन कोई भी राज्य सरकार जब टैक्स कम करने की बात होती है उसको लगता है कि हमारी इनकम कैसे होगी, कोई कम नहीं करता। इस वक्त सारी सरकारें खूब जम के टैक्स ले रही है, तमाम राज्य सरकारें। क्या आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर हम 20 रुपये 30 रुपये धड़ाक से कम कर देंगे? नहीं, ये तो केंद्र सरकार करेगी ना, इसे तो नहीं केंद्र टैक्स, तो उत्तर राज्य सरकार के टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ। राज्य सरकार जो भी हो सकता हुआ करेगी, हाँ, लेकिन वादा नहीं है आपका? नहीं, वादा नहीं है। ठीक है, ओके, चलिए मैं आता हूँ सीधा पांडे जी के पास। पांडे जी, आपके हिसाब से, जी माफ कीजिएगा, अभिमन्यु त्यागी जी क्षमा चाहूँगा, त्यागी जी हाँ, पांडे जी उधर है, पांडे जी के पास मैं सब लोग, सब नेताओं की बात सुनने के बाद आऊँगा। तो अभिमन्यु त्यागी जी, कांग्रेस किन मुद्दों पर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है? एक तो हमने बार बार सुना लड़कियों लड़ सकती हूँ, ठीक है, एक महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, इसके अलावा और कुल मिलाकर इस पहले दौर के चुनाव में आपके मुद्दे क्या?
देखिए इस समाज में जिसमें हम रहते हैं, यहाँ दो तरीके के लोग, एक शोषित एक शोषक। सोनभद्र की घटना हुई, आदिवासियों पर 100 से ज्यादा अस्त्रधारी लोगों ने हमला किया, 8 ज्यादा आदिवासियों की मौत हुई। लखीमपुर खीरी की घटना हुई, इसी तरह उन्नाव की घटना हुई, वहां एक भाजपा के विधायक ने एक लड़की का बलात्कार किया। कांग्रेस पार्टी ने जो लड़की थी वो लड़ रही थी, उसकी माता आशा सिंह को टिकट दिया। लखीमपुर खीरी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में पुलिस ने चीरहरण करने की जिन रितु सिंह की कोशिश करी, कांग्रेस पार्टी ने रितु सिंह को टिकट दिया। निषादों ने जब बालू माफिया का विरोध किया तो उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उनकी नावें तोड़ दी। उन्हीं में से एक महिला को, अल्पना निषाद को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। इसी तरह खुशी दुबे की माता जी को टिकट दिया। CANRC में, लखनऊ में, तमाम उत्तर प्रदेश में जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, पुलिस ने पीटा, जेल में भेजा, उन्हीं में से एक लड़ने वाली महिला को, सदफ जफर को, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस पार्टी पीड़ित की तरफ खड़ी है। आप नाम ले सकते हैं उनका जो सीए वाले आप कह रहे, क्योंकि सीए को लेकर अभी जो वो एक अलग मसला। हाँ। कांग्रेस पार्टी पीड़ित की तरफ खड़ी हुई है, शोषित की तरफ खड़ी हुई है। एक शोषक है समाज जो शोषण कर रहा है, हम पीड़ित की तरफ खड़े हुए हैं। अब जनता तय करेगी वो किसको टिकट देगी, किसको वोट करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपना काम कर दिया, हम लड़ रहे हैं चुनाव, 2500 रुपए धान का दाम देंगे, हम चुनाव लड़ रहे हैं 2500 रुपए गेहूं का दाम देंगे। आज 1975 गेहूं का दाम है, मेरा गेहूं 1400 रुपए क्विंटल बिकता है, क्योंकि सरकारी खरीद महज 6% होती है। कहीं से सुधार तो करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपए में धान, 2500 रुपए में गेहूं ले रही है। हम कह रहे हैं कि 400 रुपए क्विंटल हम गन्ने का दाम देंगे। 2017 में भाजपा ने कहा, वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 370 रुपए क्विंटल गन्ने का दाम दिया जाएगा। आज गन्ने का दाम 350 रुपए क्विंटल है। इन्होंने वादा किया था 14 दिन में गन्ने का बकाया दिया जाएगा। मैं खुद गन्ना किसान हूँ, सिंभावली शुगर मिल में मेरा बॉन्ड है। 2 साल से गन्ने का बकाया हम लोगों को नहीं मिला है। 14,000 करोड़ रुपए गन्ने का बकाया किसानों का सरकार पर, शुगर मिल पर। इन्होंने वादा किया था कि 100 यूनिट तक 3 रुपए के हिसाब से हम बिजली का दाम लेंगे। 7.5 रुपए के हिसाब से इन्होंने 5 साल हमको लूटा, जनता को लूटा। इन्होंने वादा किया था कि जो नील गाय है और आवारा पशु से किसानों को और आम जनता को बचाएंगे, लेकिन 2017 में जो बच्चे बछड़ा ढूंढने से नहीं मिलते थे, आज एक एक ब्लॉक पे 8 से 10 हजार आवारा पशु है। मैं आवारा गाय नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस सनातन जो हमारे संस्कार है उसमें गाय को हम पूछते हैं, ठीक है। लेकिन आज गायों का और बेचारों की जितनी दुर्गति है उतनी कभी नहीं हुई। दो जल्दी से मेरे काउंटर क्वेश्चन जी। आपने नाम लिए कई लोगों की, इनको टिकट दिया, इनको टिकट दिया। आपकी पोस्टर गर्ल थी जी, प्रियंका मौर्य जी, वो कह रही है कि भाई टिकट पहले से ही फिक्स थे। आपकी पोस्टर गर्ल थी, वो कह रही है मुझे वादा किया गया, उनको क्यों नहीं टिकट दिया जब सबको टिकट दिया। हम तो एक और बात कह रहे हैं, हाँ, कि हमने एक पोस्टर गर्ल को भी नेता बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने, उन्हें पार्टी ज्वाइन करा। चलिए ठीक है, मतलब हम तो चाहते हैं आप बीजेपी के लिए नेता तैयार कर रहे हैं। लड़की लड़ सकती हो चाहे किसी भी दल में मिले, तो आप बीजेपी के लिए, हम तो भाजपा के नेताओं के लिए भी कहते हैं, एक और जल्दी शक्ति के लिए, एक और जल्दी सपा में भी कहते हैं, एक और बराबरी का अधिकार मिले, घर से जाकर चूल्हे चौके से पानी। अभिमन्यु जी एक और जल्दी से मेरा काउंटर सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि सीए के खिलाफ जो महिलाएं लड़ रही थी, सीए के खिलाफ जो पूरा मामला अभी जो दिल्ली में जो दंगे हुए, वो आपने उसकी अदालती कार्रवाई देखी, पुलिस ने उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज पेश किए हैं, जिस तरह से दिल्ली को सीए के नाम पर जलाया गया, किस तरह के उन वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है, जिनको शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी कहा जा रहा था, वो लाठी डंडे सरिये इकट्ठे कर रहे थे और लगातार उन्होंने हमला किया। उनके जो चैट हैं वो चैट पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अदालत में पेश कर चुकी है। उस चैट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिस वाले को मारो, ये करना है वो करना है। तो सवाल है कि इसी सीए के नाम पर तो लखनऊ जलाने की तैयारी थी, देखिए हम कह बचा लिया गया, हम और आप कह रहे हैं आप उन लोगों को टिकट देना चाहते थे, लखनऊ जलाना चाहते थे, कि शाहीन बाग के नेताओं को जो मंच पे बैठे थे उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ज्वाइन करा दी।
आप उनसे भी सवाल पूछिए, ठीक है। हम कह रहे हैं जो कानून मानेगा, जो संविधान मानेगा कांग्रेस पार्टी उनके सर, साथ मैं शाहीन बाग और हम संविधान की बात करते हैं, डिफर कर रहा हूं। हम कानून की बात करते हैं, में जो आरोपी है आरोपी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन शाहीन बाग में जो लोग मंच में बैठे थे वो भारतीय जनता पार्टी में कैसे चले गए, ठीक है। वो आपका सवाल वैलिड हो सकता है, लेकिन मैं शाहीन बाग में जो लोग बैठे थे उन पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा सवाल उनको है जिन्होंने दिल्ली में दंगे करवाए, और मैं फिर कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में है, क्योंकि अदालत में वो सारी सीसीटीवी फुटेज, अदालत में वो सारी जो चैट है व्हाट्सएप चैट, वो रखी गई है कि किस तरह से सीए के नाम पर दिल्ली को जलाया गया, और ये भी मत भूलिए कि इसी तरह से सीए के नाम पर लखनऊ को भी जलाने की तैयारी थी। पर ठीक है, देखो जो कानून का काम है वो कानून करेगी, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में 700 से ज्यादा दंगे समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, ठीक है। दंगे के दो आरोपी ठाकुर संगीत सिंह सोम और ठाकुर सुरेश सिंह राणा भी थे, वो आज मंच पे बैठते हैं, ठीक है, फीता काटते हैं, ओके, चलिए, बिना किसी ट्रायल के वो बाहर खुले घूम रहे हैं, तो अपराधी तो कोई भी हो सकता है, आरोपी कोई भी हो सकता है जब तक कोर्ट आरोप सिद्ध ना करते, ठीक है, ठीक है, दोषी ना ठहरा, ओके। नहीं, ये आरोप तो कपिल मिश्रा जी पे भी है। हाँ, कपिल मिश्रा जी, नहीं, आपने वो कार्रवाई देखी नहीं है, कपिल मिश्रा जब सड़क पर आए उससे पहले आरोपी को, नहीं नहीं, सबने देखा, ये तो सबने देखा है, बात ही नहीं। बाबर जी एक मिनट, हम संविधान को मानने वाले, एक मिनट बाबर जी, जो आप कह रहे हैं कपिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं ना, वो भी कोर्ट में उसके ऊपर भी जिरह हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ कृपया जाइए वो पूरी कार्रवाई देखिए, कपिल मिश्रा जब इस पूरे आंदोलन में आए उससे पहले के चैट में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिस वाले को यहां मारना है, उसके पहले के वीडियो फुटेज में साफ तौर पर जो आंदोलनकारी हैं वो लाठी डंडे सरिये इकट्ठे करते दिखे गए हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं कि उनको ऐसे ऐसे जाकर यहां पर अटैक करना है। तो कृपया मैं कह रहा हूं कि उसको एक बार उसको उस पूरा जो प्रोसिक्यूशन ने जो रखा है उन तथ्यों को देख लें फिर हम। लेकिन आपने जो कहा त्यागी जी ने कहा, मैं उस पर जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा। सर जल्दी से, वो कह रहे हैं कि भाई दंगों के आरोपी तो आपके भी नेता थे, आज वो मंच पे बैठते हैं और उनमें ऐसे लोग हैं जो आप विधायक भी हैं। नहीं, सपा की सरकार के अंदर आरोप तो इस प्रकार के अलग नहीं थे, और जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के डीएम को एसपी को हटाया गया वो ठीक दिशा में कार्रवाई कर रहे थे, और उसके बाद जो दंगा हुआ जो सारे क्षेत्र के अंदर फैला, उसके परिणाम स्वरूप हमारे किसान जो थे उनको गांव छोड़ करके जाना पड़ा, और देखा जाए तो संगीत सोम की या सुरेश राणा जी की जो भूमिका थी उनको रोकने की थी, उनको थामने की थी, वो बवाल ज्यादा ना फैले। और आरोप तो लग नहीं थे, क्योंकि सरकार जो न्याय नहीं कर रही थी वो संगीत सोम और सुरेश राणा के साथ कैसे न्याय कर सकती थी। और कोर्ट ने बाद में जाकर के देखा, सब परीक्षण किया, अभी भी मामले वो हैं, वो सब स्पष्ट हो जाएंगे सबके ध्यान में है, दंगे में उनकी कोई भूमिका नहीं, ठीक है। अदालत में मामला है, वो चीजें हम देख रहे हैं। मैं सतीश प्रकाश जी, सतीश जी, बीएसपी बहन मायावती जी आगरा में आई, उन्होंने चुनावी सभा की और वो सीधा सीधा उन्होंने कहा, देखिए हमने जितने लोगों के नाम रखे थे और ऐसे जगह जिलों के नाम, और नाम मैं ये भी बड़ा दिलचस्प एक आंकड़ा है कि नाम बदलने के आरोप जो है इन पर लगते हैं, लेकिन आंकड़ा ये दिखाता है कि आप बहन मायावती ने जितने जिलों के नाम रखे थे वो सब जो है सपा ने आते ही बदल दिए थे। तो ये जो नाम बदलने का मुद्दा है कल वो छाया रहा, ये क्यों और क्या मुद्दे आपको लगता है इस उसमें? अशोक जी, ये सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी ने, देखिए बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है, और कुछ खामियां हैं, ऐतिहासिक खामियां हैं, बहुत सारे वर्गों के लोग जिनको इतिहास में जो हिस्सा मिलना चाहिए था, जो मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाया, उस खामी को बहुजन समाज पार्टी ने जब उनको सत्ता मिली निश्चित रूप से उन वर्गों के, उन सेक्शंस के, उन लीडर्स, उन साधु महात्माओं के नाम पे जिलों के नाम किए। ये भी सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद उन जिलों को कहीं ना कहीं या तो उनके जिलों के नाम खत्म किए गए या जो जिले बनाए गए थे उनको खत्म किया, ये सच्चाई है, ठीक है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। और मेरा मानना यह है कि देखिए जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो आप किसी पार्टी के लीडर नहीं होते, आप किसी जाति के लीडर नहीं होते, आप संविधान की शपथ लेते तो पूरे प्रदेश की जनता के आप लीडर होते हैं, ठीक है, पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री होते हैं, और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आप हर व्यक्ति की जनभावनाओं का ध्यान रखें। अखिलेश जी ने शायद उन जनभावनाओं का ध्यान नहीं रखा, एक कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता क्या रही इसके बारे में तो सपा ही जवाब दे सकती है। एक चीज मैं आपको कहूंगा अशोक जी, देखिए हम मेरठ की इस क्रांति धारा के ऊपर बैठे,
मेरठ का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अगर मेरठ की कुछ समस्याएं हैं, आदरणीय सांसद महोदय जी हमारे बीच में बैठे हैं, सभी दलों के लोग बैठे हैं। देखिए आप आगे बढ़े बिल्कुल यहाँ की समस्याओं की और यहाँ पे जो आपके मुद्दे आप उनको उठाइए, लेकिन मेरा सिर्फ छोटा सा एक काउंटर क्वेश्चन है वो ये कि मायावती जी ने जो ये जो सवाल उठाया, क्या आपको लगता है चुनावी मुद्दा है कि आप लोगों ने जो जिले बनाए थे उनके जो नाम रखे थे उसको सपा ने आया, क्योंकि कल मायावती जी की यही बयान जो है लगातार सुर्खियों में छाया रहा, ये आपको लगता है कि मुद्दे कुछ और भी है? नहीं नहीं, देखिए 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 बहन जी के तमाम ऐसे निर्णय है कि जिनके ऊपर सपा ने भी सवाल उठाया, बीजेपी ने भी सवाल उठाया, ऐसे सवाल है ना। बीजेपी के राज्य में, बीजेपी के कार्यकाल में इस देश का जो जो SC ST एक्ट है उसको डायल्यूट किया गया, बाकायदा दलितों ने आंदोलन किया, आंदोलन करना कोई अपराध तो नहीं है, लेकिन 2 अप्रैल के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार ने उसके अंदर हिंसा फैलाई और इस उत्तर प्रदेश के 1 लाख दलित वर्ग के जो लोग थे, और उसमें लोग कौन थे जो रोज कमाते थे रोज खाते थे, उनके ऊपर मुकदमे डाले, ये भी एक सच्चाई है। ऐसी ही गलती अखिलेश जी ने की, ऐसी ही गलती कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने की। मैं आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, चूंकि मैं भी इसी मट्टी में पला बड़ा हूं, मेरठ की जनता की भी कुछ समस्याएं हैं। देखिए ये ऐतिहासिक भूमि है, और आपने जो क्राइम की बात की है, क्राइम की परिकल्पना के पीछे कहीं ना कहीं एक न्याय पाने की भी एक व्यवस्था है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ के लोगों को न्याय पाने के लिए जो न्याय की दूरी है वो पाकिस्तान से कम है, और जो इलाहाबाद है वहां से कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाई देती है। हमारी मांग ये है, पूरे पश्चिम के लोगों की मांग है, और ये आंदोलन देश में चलने वाला सबसे बड़ा आंदोलन है। पिछले 52 साल से यह आंदोलन जिंदा है, आदरणीय सांसद मोदी जी ने इस बात को कहीं ना कहीं रखा, परिस्थितियां क्या रही होंगी। बहुजन समाज पार्टी का ये मानना है कि उत्तर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो बड़े जिले हैं, या हाईकोर्ट की कहीं ना कहीं बेंच होनी चाहिए। एक बात, एक सवाल और, मुझे लगता है ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर शायद सब समर्थन करते हैं। एक सवाल और कहूंगा, देखिए मेरी एक शिकायत बीजेपी से जरूर है, ठीक है विकास हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये सच है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कहीं ना कहीं धार्मिक विकास किया, ये सच्चाई है। और धार्मिक विकास अयोध्या का होता है, काशी का होता है, मथुरा का होता है, लेकिन उस धार्मिक विकास के कुछ छींटे हस्तापुर के ऊपर भी आने चाहिए। जो हिंदू धर्म की अगर मान्यता में अगर अयोध्या का महत्व है, अगर आगरा आपका मथुरा का महत्व है, तो हस्तापुर आप कैसे छोड़ेंगे? अगर हस्तापुर में भी वो धार्मिक विकास हो जाता, यहाँ भी पर्यटन हो जाता। माननीय सांसद मोदी जी ने कई बार कहा, देखिए 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 वो लोकप्रिय सांसद है, उन्होंने कई बार कोशिश करी, लेकिन मजबूरी क्या रहेंगे वो तो ये बताएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई, सबसे पहले 200 करोड़ रुपए का एक पुल, हस्तापुर की कनेक्टिविटी हमने कहीं ना कहीं, जो आप बिजनौर का एक डिस्ट्रिक्ट है, 80 किलोमीटर की दूरी हमने कहीं ना कहीं दूरी करी। और मेरा मानना यह है कि देखिए हमको पार्टी पॉलिटिक्स, एक चीज और मैं कह दूं जल्दी से, अक्सर नहीं नहीं आप पश्चिम की बात करते हैं तो आमतौर पर यह माना जाता है कि पश्चिम जो है या किसान ही रहते हैं। पश्चिम में किसान के साथ साथ ऐसी बहुत बड़ी आबादी है कि जो लैंडलेस पीपल है। मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से एक सवाल जरूर उठाऊंगा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा हो और स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर इस देश में MSP लागू हो, लेकिन स्वामीनाथन की उस रिपोर्ट के उस हिस्से पे चर्चा क्यों नहीं जहां स्वामीनाथन ये कहते हैं कि जो लैंडलेस पीपल हैं उनको 1 एकड़ जमीन दी जाए। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, गांव के अंदर मात्र 5-5, 10-10 बीघे जमीन के ऊपर लोग खेती कर रहे हैं। मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि आपने एक्चुअल में जल यहाँ से जुड़े मुद्दे, कुछ जो रियल इश्यू थे वो उठाए। पर पंकज जी आप तो इंडस्ट्री और जो यहाँ व्यापार है, क्योंकि कहते हैं ना अगर कहीं डेवलपमेंट होगा तो वहाँ व्यापार होगा, व्यवसाय बढ़ेगा, और व्यवसाय व्यापार बढ़ेगा तो और डेवलपमेंट होगा, समृद्धि भी आएगी, ये सब चीजें आपस में मिली हुई है। ये जरूर ठीक है कि यहाँ पर विकास कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस तरह से और डेवलपमेंट हो सकता है ताकि यहाँ समृद्धि हो, और आपको लगता है कि क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी ने छलांग लगाई है? अगर मैं इस इलाके की बात करूं तो आपको लगता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो बेहतर हुआ है यहाँ? सभी को नमस्कार। जी जी सभी को नमस्कार। अशोक जी आपने जो बात कही विकास की धुरी, या ये कहिए कि अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। जिस क्षेत्र की इंडस्ट्री बढ़ेगी निश्चित रूप से वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी आएगी, विकास बढ़ेगा,
और वहां का व्यापार भी बढ़ेगा। और इंडस्ट्री के अंदर भी एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है कि जिसको बढ़ावा देना हमारी आवश्यकता ही है। बिल्कुल, शायद मेरे ख्याल माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी फोकस एमएसएमई पर रहा। अगर जो प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अगर जो हमें यहाँ पे आवश्यकता है वो है कानून व्यवस्था की, जो कि कुछ वर्ष पूर्व हम लोगों को उसकी कमी महसूस होती। आपको लगता है कानून व्यवस्था खराब होने से व्यापार दिक्कत आती है? यस, ठीक। तो वहाँ कानून व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं थी। हमारे जो उद्यमी भाई थे उन्होंने, कई लोगों ने तो उत्तराखंड की तरफ पलायन कर दिया, ये भी एक सबसे बड़ा कारण था। और दूसरी सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, रंगदारी मांगी जाती थी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो, क्योंकि अब ये समय के गर्त में चले गए, उसका उठाना ठीक नहीं है। लेकिन ठीक, इन कुछ समय से हम लोगों ने बहुत राहत महसूस करी। ठीक, इसलिए जो हमारे अपने यहीं के रेजिडेंट थे, लोकल रेजिडेंट जो बाहर चले गए थे, वो फिर दोबारा से आने शुरू हुए। और उसकी वजह से इस इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मेरठ के अंदर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बढ़ा। सहारनपुर से लेके अब गाजियाबाद तक अगर जो इसी बेल्ट को ही देख लें, उधर बुलंदशहर, अलीगढ़ और ये सब एरियाज भी हैं, तो कास्ट उद्योग है। कास्ट उद्योग में कमी आने के बहुत कारण है, क्योंकि इस दो वर्ष में जो ये कोरोना काल वैश्विक आपदा थी, उसके चलते बहुत सारे उद्योग बंद भी हुए। तो अब आप क्या चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये इम्पोर्टेंट भी इशू है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर, क्या मुद्दे हैं आपके? कानून व्यवस्था तो सुधर गई, ठीक है। दूसरी इंडस्ट्री के लिए एक कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर था। सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं, तीसरी बार के सांसद हैं, और उनको याद भी होगा कि जब पहली बार सांसद बन के आए थे तो हमने तभी से ये उठाया था कि मेरठ दिल्ली की दूरी बहुत कम हो जानी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मैं इनकी सराहना करता हूँ कि इन्होंने हमारे पक्ष को अच्छी तरह से उठाया। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर जब अखिलेश जी थे उनके सामने भी अपने ये सब समस्या रखी, उन्होंने भी कुछ प्रयास करे हैं। लेकिन जो समय, जिस समय में हम लोगों को उसका सही उपयोग करने का मौका मिला, वो यही है। ठीक है, तो हम लोग तो ये समझते हैं कि इस समय में हमें जितनी भी कनेक्टिविटी थी, चाहे वो रोड की कनेक्टिविटी, और आप देख रहे हैं कि मेरठ से सारा जितना भी एरियाज है, चाहे वो हरियाणा है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, या सारी जितनी भी हमारी शहर है ये इससे लगे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी हो गई। लखनऊ भी अब हम लोग 7 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसमें बाधा थी विकास के अंदर, उद्यमियों को आगे बढ़ाने के अंदर, की कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। तो सर ये सब मिल गया, मैं पूछ रहा हूँ अब क्या आगे क्या चाह रहे हैं आप? चुनाव का मौका है, क्योंकि अपने दिल की बात कह दीजिए। बहुत सारी चीजें हैं जी, मैं रखना चाहूंगा ये जल्दी से, कम से कम समय, फिर मैं पांडे जी के सारे विषय तो मैं इसलिए बताना चाह रहा था क्योंकि जो एक पृष्ठभूमि है, ठीक है, मैं समझ, वो भी हमें बतानी चाहिए कि कहां हम खड़े थे, कहां आज खड़े हैं, बिल्कुल, और कहां हमारी अपेक्षाएं हैं। ठीक है, हमारी अपेक्षा सरकार से ये है कि सबसे पहले तो हमारे कुछ नियम कानून या पॉलिसीज जो बनी है एमएसएमई के लिए स्पेशल, क्योंकि आईआईए एमएसएमई की संस्था है, उन पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स आई, ठीक है, लेकिन हमका धरातल पे या जमीनी स्तर पे हमें उसका फायदा नहीं। ओके, ओडीओपी मेरठ के लिए स्पोर्ट इंडस्ट्री को चुना गया था, ठीक है, बहुत प्रॉस्पर इंडस्ट्री है, विदेशों में नाम है उसका, और मेरे ख्याल यहाँ के प्रोडक्ट से पूरे दुनिया के खिलाड़ी खेलते हैं उन बैट से या और जो भी उपकरण है। यूनिवर्सिटी हमें दी, ये हमारी बहुत पूर्व समय से मांग थी हम उद्यमियों की, ठीक है, हमारा उद्यम तेजी से तब बढ़ेगा जब हमें इंडस्ट्री के साथ साथ एक यूनिवर्सिटी मिले। ओके, वो भी हो गया। उधर कृषि में एक बहुत अहम मुद्दा उठाने जा रहा हूँ यहाँ पे, कि हमारा जो ये दोआब का क्षेत्र है, गंगा जमुना के बीच का, जो कि सतीश जी बता भी रहे थे, ऐतिहासिक जमीन है मेरठ और पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ कृषि बहुत ही उत्तम किस्म की है और किसान प्रॉस्पर भी है, ठीक है, जबकि कहने को तो कहते हैं गन्ना बेल्ट है, गुड़ की मंडी हमारी मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, बहुत उन्नत है। हाँ। तो इसके साथ साथ हमारी इंडस्ट्री वाले लोग, एमएसएमई वाले स्पेशली, हमने उसके लिए डिमांड करी थी पहले भी
कि ऐसी कोई पॉलिसी लाई जाए जो कि हमारे उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में जाके अपनी इंडस्ट्री लगाएं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। और ये सांसद जी बैठे हुए हैं, पिछले इनके टेन्योर में हमने फूड पार्क की भी एक डिमांड करी थी कि इस क्षेत्र में, ठीक है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट इशू है। राजेंद्र जी जब समय होगा इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं पहले पांडे जी के पास जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ऑडियंस के भी सवाल लेने हैं, जनता के भी सवाल लेने हैं। पांडे जी, आप तो देखते हैं दिन भर तमाम नेताओं को अपने अपने हिसाब से मुद्दे उठाए, लोगों ने अभी इस मंच पे भी उठाए, अगर मैं आपसे कहूँ आपको क्या लगता है रियल इश्यूज यहाँ पर क्या है जो पार्टियाँ उठाती हैं लोगों के दिल में खटाक से लगते हैं? जब चुनाव शुरू होने को था तो मुद्दे अलग अलग थे, इश्यूज थे, हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चल रही थी। उस समय लग रहा था कि विकास कहीं ना कहीं आगे बढ़ चलेगा। ज्यों ज्यों मतदान की तारीख पहले चरण में नज़दीक आती जा रही है, 10 तारीख जहाँ जहाँ होना है, धीमे धीमे दोनों ही दल, चाहे वो पक्ष और चाहे विपक्ष, दोनों ही दल आके कहीं फोकस हो गए हैं कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर। बिल्कुल इंटरेस्टिंग जी, दोनों ही दल कानून व्यवस्था पर फोकस हैं। बात जब पलायन की उठती है, बात जब मुजफ्फरनगर दंगे की उठती है, बात जब रात में सुरक्षा अथवा असुरक्षा की उठती है, तो कहीं ना कहीं फोकस हो रहा होता है कानून व्यवस्था। इसलिए दोनों ही दल इस समय, पक्ष और विपक्ष, फोकस हैं कानून व्यवस्था पर, और आज की तारीख में वही सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। वही सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर सपा जवाब देगी? सपा, मैं ऑडियंस से सवाल लेने के बाद, आपको लगता है सपा कंफर्टेबल है इस मुद्दे पर कि अगर सपा उठा रही है मुद्दा तो, या लगता है आपको सपा के लिए इम्पोर्टेंट है? तो जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो उस सवाल का बहुत सीधे तरह से जवाब दे पाना कहीं ना कहीं कुछ दलों के लिए बहुत, मैं नाम नहीं लूँगा, मुश्किल होता है। थोड़ा उन्हें उस पर ठिठकना पड़ता है, उसकी कई वजहें भी हैं। उस चीज़ को संभवतः भाजपा महसूस कर रही है, इसलिए वो बार बार अपनी बातों में इस मामले को सामने ला रही है। या आपको ये भी लगता है, छोटा सा सवाल, आपको ये भी लगता है कि जो यहाँ पर किसान आंदोलन चला, लोगों ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका बड़ा इम्पैक्ट बीजेपी के अगेंस्ट होगा, बीजेपी बार बार इसलिए भी, क्या आपको लगता है कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाती है कि उसको लगता है कि इससे जो है कम से कम आगे बढ़ा जा सकता है इस मुद्दे को लेकर? किसान आंदोलन एक वक्त तक इशू था, लेकिन जब वो आंदोलन वहाँ से सिमट के फिर समाप्त हो गया, सिंधु बॉर्डर हो और चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो चाहे, तो जब उसके समापन की घोषणा हो गई तो उसके बाद अब आदमी के दिमाग में फिर मनोवैज्ञानिक रूप से चुनाव हावी है। ओके, तो फिर वो मुद्दा कहीं ना कहीं दूसरी तरफ है, और अब इस समय तो कानून व्यवस्था पे ही सारी बात। ठीक ठीक, चलिए मैं ऑडियंस से उसके बाद जो सवाल उठ रहे हैं, आप जब ऑडियंस को रिस्पॉन्स करेंगे तो उसमें जल्दी से कुछ सवाल मैं ले लेता हूँ। जी 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 जी, इधर से, हाँ, जिन लोगों से, जी जी, से प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे प्रश्न है कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षालयों के लिए क्या कोई रोड मैप है, कोई योजना है? ओके ठीक है जी, बाबा जी रिस्पॉन्स करेंगे। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालयों के लिए, उन्नयन के लिए कोई योजना है समाजवादी पार्टी पे? जी है, हमारा घोषणा पत्र आया है पढ़ो उसे। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षा, मतलब बेसिकली कह रहे हैं कि शिक्षा को लेकर के उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है बेहतर हो, उसको लेकर आपका क्या विजन है? भाई समाजवादी पार्टी का शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालयों पे, हाँ, तो उस पर फोकस रहेगा। ठीक है ठीक है, ओके। अभी चुनाव जो है घोषणा पत्र आया नहीं है, लेकिन उसका इंतजार करते हैं। चलिए आप सर, आपका सवाल जी। मैं बस एक ही मिनट लूंगा,
सबसे पहले तो मैं कहूंगा हमारे देश का सौभाग्य है कि 2014 में मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए दो बात करूंगा कि सौभाग्य कि मोदी जी 2014 में आए, 2019 में आए, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। ठीक है, सवाल इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि यहाँ मेरा केवल सवाल बसपा सपा और कांग्रेस वालों से है, इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जनता जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सरकार को चुन के भेज रही है, उसके बावजूद भी एक बार भी इन लोगों ने ये नहीं कह पाए कि हाँ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार अथवा प्रदेश सरकार द्वारा कुछ अच्छा कार्य किया गया है 5 साल में 9 साल में। मेरे आदरणीय सतीश जी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी सेंटेंस कहा हाँ विकास हुआ या नहीं ये बात की बात है, ये कह सकते थे कि हाँ विकास तो हुआ है, मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, सही बात को सही बोलना चाहिए। तीनों जल्दी जल्दी देखिए, मैं आपकी बात सुनिए सर। हाँ जी, इधर से तुम इस तरफ भी आ जाइए, इस तरफ भी कुछ लोग आ जाइए। एक मिनट सर, विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास की प्लानिंग होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं। और आज अगर 2017 में बीजेपी ने कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाया और 5 साल सरकार चलाई, और 2022 में भी अगर आप कानून व्यवस्था को सुधारने के नाम पर अगर वोट मांगोगे तो ये सवाल है, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चाहे किसी की भी सरकार हो आपको 5 साल काम करना होता है, 5 साल में अपने आप को सिद्ध करना होता है। दोनों से जल्दी से, वो बेसिकली उनके भाव ये है, वो कह रहे हैं कि आज विपक्ष नहीं, क्या, क्या क्या कुछ पॉजिटिव ये सवाल पूछेंगे ना उसको, देखिए एक सवाल जरूर रहेगा ना सर, सवाल है कानून नहीं अशोक जी, एक सवाल, एक छोटा सा दर्द हमारा भी सुनिए। हाँ ठीक है, देखिए जहाँ कानून व्यवस्था की बात होती है, जानबूझ करके जो आपका बीजेपी है वो सपा का नाम लेती है, 2007 से लेकर के 2012 के बीच में एक जातीय उन्माद बता दीजिए, एक धार्मिक उन्माद बता दीजिए, हमारी सरकार के दौरान ही माननीय हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया, राम मंदिर का डिसीजन, तमाम देश को यह आशंकाएं थी कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस निर्णय को लेकर के दंगे भड़केंगे, हमने 600 कंपनियां तब की कांग्रेस सरकार से मांगी, 52 कंपनियां हमको मिली, उसके बावजूद भी चूंकि हमारी नियत में कोर्ट नहीं था, ठीक है, ट्रैक रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड आपका, मानना यह है आपका कानून व्यवस्था में नेता की नियत में कोर्ट ना हो। ओके 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 सर, मेरे पास आखिरी 5 मिनट है, जल्दी से आप भी आप वो बेसिक भाव समझिए, वो कह रहे हैं विपक्ष कहीं कहते नहीं ये चीज अच्छी देश में हो रही है, वो ये भाव बताओ। देखिए विकास किसका हुआ है, जिनकी 500 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, इस लॉकडाउन में वो 5000 करोड़ की हो गई। साहब ने कहा आपदा में अवसर, तो 100 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का जिन्होंने बेचा, 5 रुपए की दवाई का पत्ता जिन्होंने 2500 का बेचा, ठीक है, सांस लेने पे भी जिन्होंने काला बाजारी ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख के बेचे। हम बात कर रहे हैं विकास, किसका विकास हुआ है, यह शंकर आश्रम है, भाजपा का कार्यालय है, एबीवीपी का कार्यालय है, बहना में हुए हैं, 5 स्टार कार्यालय बन गए हैं, कांग्रेस पार्टी का कार्यालय 70 साल कार्यालय रहा है, बुढ़ाना गेट पे कार्यालय में, हापुड़ में कार्यालय नहीं है, मुजफ्फरनगर में किराए में कार्यालय है, सहारनपुर में कार्यालय नहीं है, अरे 70 साल में हम लोगों के पास क्या सर, हमने ये सब सुनिए सर, आपकी पार्टी कार्यालय नहीं बनाए, सीआरपी नेताओं के बंगले आप देख लीजिए, तो पैसा पार्टी में ना जाकर अगर आप जेल भेज दीजिए ना, जो आरोपी जो दोषी हो जेल भेज दीजिए, ठीक है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, ठीक है, सबसे ज्यादा अपराध है, त्यागी जी एक मिनट, त्यागी जी 4000 सबसे ज्यादा, ठीक है, उनका भाव ठीक है, ओके त्यागी जी आपका 50,000 मामले, ओके आपने कहा कि भाई विकास नहीं हुआ इसलिए आप कह रहे हैं कुछ लोगों का एडीआर का आंकड़ा, ओके ओके सर, ओके ओके जल्दी से एक दो सवाल ले लूं फिर मैं इस, हां जल्दी से, क्योंकि मैं अपने सुमनेश अग्रवाल चेयरमैन, एक मिनट सर, एक एक करके जिनके पास माइक है प्लीज, सुनिए सर क्योंकि मेरे पास आखिरी के 5 मिनट है, मैं चाहता हूँ आखिरी के 3 सवाल हम एक साथ ले लें, फिर जिनसे सवाल होंगे उन पर रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी से 3 सवाल जी। प्रथम तो बीएसपी के संवाददाता का स्वागत करता हूँ जिन्होंने कहा कि केवल किसानों का मुद्दा है, देखिए जो लघु उद्योग है 40 करोड़ को एम्प्लॉयमेंट देता है, किसान देते 50 करोड़ को, लेकिन 70 साल से जितनी भी सरकारें आई हैं चाहे बीजेपी हो कुछ भी हो, सबका पहला मुद्दा किसानों के फेवर में जाता है, जिसकी वजह से बॉर्डर के ऊपर अराजकता वो फैलाते हैं। हम उद्यमी
चाहे कोविड काल हो सबको देने के लिए तैयार रहते हैं, जो सरकार को चाहिए जो नहीं कर पाती वो हम करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए उद्यमियों को किस तरह, हाँ यूपी के अंदर, सर सवाल जल्दी से क्योंकि समय कम है मेरा, प्लीज। के अंदर सरकार ने जो हमारे को चाहिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए जिससे हम उद्यम चला, ठीक है, जो अभी योगी जी ने दिया जिसका हम, ओके ठीक है। जल्दी से दो सवाल और आखिरी, उसके बाद मैं आखिरी सब लोग जल्दी से मेरा, हाँ सजेशन नहीं सवाल हो, हाँ बिल्कुल। सवाल सांसद जी से है, हाँ योगी जी जब आए थे उन्होंने योजना था गड्ढा मुक्ति योजना, वो अब तो सड़क ढूंढनी पड़ रही है गड्ढों में, ठीक है। थोड़ा सा विकास मेरठ की तरफ भी हो जाता, मैं पहले धन्यवाद दे दूं आपने सोतीगंज का जो मामला रखा बड़ा अच्छा रखा, हाँ। अगर विकास सड़कों की तरफ मेरठ में हो जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। ओके चलिए एक जल्दी से इधर से तुम इस तरफ जाइए, इधर बहुत लोग बहुत समय से हाथ उठा रहे हैं जी, जल्दी से। मेरा सवाल जो है यहाँ के सांसद महोदय से है, एक सवाल को दो छोटे भागों में है जल्दी से। आपके सरकार में शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य अहम मुद्दे क्यों नहीं माने जाते, इस पर अच्छा विजन क्यों नहीं है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज कि क्या आपके सरकार में शिक्षा, आपने कहा हम विकास पे मेन एजेंडा है, क्या शिक्षा विकास नहीं है, ठीक है जल्दी से चलिए इस तरफ और मेरे पास आखिरी सवाल इधर से जी। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार अशोक है, बुलंदशहर से हूँ जी। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, कुछ देश भी छोटे है, आपने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश लिख रखा है जी, कहीं बुंदेलखंड लिखते हैं, तो क्या सरकार की मजबूरी है, सभी से मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने में क्या मजबूरी है, ओके, ठीक है, अपने सभी राय रखें, ठीक है। आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में, उत्तराखंड एक बार बना था अब जी। मेरा सवाल सपा से है बट जवाब आप नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप ही के हाफिज उस्मान साहब ने उस प्रत्याशी को जिसकी 60 साल की उम्र है, एक बार का वो यहाँ पर MLA रह चुका है, उसके ऐसे बयान आते हैं कि यहाँ पर थानों में हिंदू गर्दी फैल रही है, दूसरे प्रत्याशी आपके कहते हैं कि हम आएंगे तो बदला लेंगे, ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करके आप लोगों को लेके आ रहे हैं। ओके एक आखिरी सवाल, आप बहुत देर से आते हैं जी जी जी। सर मेरा सवाल ये है, मैंने जगह जगह होर्डिंग देखे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, हाँ। तो मेरा ये सवाल है कि GST बढ़ाएंगे या इनकम टैक्स बढ़ाएंगे या अपनी जेब खर्चे सब सांसदों के खत्म कर दिए जाएंगे विधायकों के। ओके ठीक है सर, ठीक है चलिए। अब मैं सिर्फ अच्छा चलिए जल्दी से पूछ लीजिए आप भी, मैं नहीं चाहता कोई निराश लौटे। मेरा प्रश्न समाजवादी पार्टी और माननीय सांसद जी दोनों से ही है जी जी जी, कि मेरठ को एक हवाई अड्डा मिलना था, वो योजना माननीय अजीत सिंह जी उद्यान मंत्री जी ने 2011 में मेरठ को दी थी, लेकिन अखिलेश सरकार के आने के बाद वो योजना पेंडिंग हो गई, ठीक है। उसके बाद में सतत प्रयास के बाद भी आज तक मेरठ में उस और ओके नहीं हुआ। ओके सर अब मेरे पास समय बिल्कुल नहीं, हाँ मैं चाहूंगा एक एक मिनट में आप लोग अपनी अपनी बात कंप्लीट कर ले, कुछ सवाल है और जल्दी सतीश जी आप नहीं देखिए आपने हवाई पट्टी की बात करी, हाँ। बहन जी ने डॉक्टर B.R. अंबेडकर हवाई पट्टी बनाई और हमने तब की तात्कालिक कांग्रेस सरकार को देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ, हम चाहते थे कि जेवर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, लेकिन तब यही भारत सरकार ये कह रही थी कि 200 किलोमीटर के दायरे में एयरपोर्ट नहीं बन सकता, फिर हमने ये कहा कि आप मेरठ के अंदर बनाइए। एक बात, एक सत्येंद्र जी हमारे जो साथी है, ये सच्चाई है सर, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से होते हैं तो तमाम उत्तर प्रदेश की जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा, और शायद ये पश्चिम उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य होगा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा। जिस धरती के आप ऊपर बैठे हैं, अभी MSME की बात करिए, अब से 4 साल पहले बड़े शहर जो मेट्रो सिटी है उनको आप छोड़ दीजिए, उनको छोड़ करके दिल्ली को अलग निकाल दीजिए, ठीक है। 4 मेट्रो सिटीज में मेरठ सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है। एक सवाल मैं जरूर कहूंगा, देखिए माननीय सांसद जी यहाँ बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बाकायदा उस समय की केंद्र सरकार को ये चिट्ठी लिखी कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर दिए जाएं। अगर BJP सरकार पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हट करके अगर उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से करती है तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ ये कहीं ना कहीं न्याय होगा। एक छोटी सी बात, बिल्कुल नहीं, देखिए माननीय सांसद जी की तारीफ भी तो करनी है ना, नहीं नहीं उन्होंने कहा कि विकास की तारीफ नहीं करनी, सुनिए देखिए हाईवे सिर्फ चलने की चीजें नहीं होती, हाईवे से व्यापार भी होता है। दिल्ली के अंदर भीड़ भाड़ का सबसे बड़ा कारण ये है
कि जो व्यापारी मेरठ में इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसको रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं दिल्ली से लाना पड़ता है। अब आप आजादपुर मंडी की जरूरत नहीं है, उसको मेरठ में शिफ्ट करिए। आप चावड़ी बाजार दिल्ली में की जरूरत नहीं है, उसको आप मेरठ में लेकर के आइए। तो इन हाईवे का फायदा भी उठाइए, ये मैं कहना चाहता हूं। ठीक है त्यागी जी, जो कुछ सवाल आए उस पर एक मिनट में आप रिस्पॉन्ड करना चाहें। देखिए हाँ, जो मेरठ का विकास हुआ, 32 साल हो गए कांग्रेस को, विश्वविद्यालय का निर्माण की बात हो, चाहे जिला अस्पताल की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, ये तमाम सब चीजें कांग्रेस पार्टी की देन है। ठीक है, हमने राजरानी दी ट्रेन जो सीधा लखनऊ जाती है मेरठ से, हमने नौचंदी ट्रेन दी जो सीधा लखनऊ जाती है, प्रयागराज जाती है, हमने संगम ट्रेन दी जो सीधा प्रयागराज जाती है, वो ट्रेनें भी ठीक तरह से नहीं चल पा रही। सर आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश वो ट्रेनें भी ठीक है? ओके डन। मतलब रोज लखनऊ आदमी कैसे जाएगा? ठीक है, वो ट्रेनें बंद है। ठीक है, क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश के का विभाजन छोटे छोटे राज्य बिल्कुल होना चाहिए? ठीक डन ओके। बाबा जी आपसे कुछ सवाल, अभी कुछ कह रहे थे जिस वीडियो की आप बात कर रहे हो उसमें किसको कहा गया है, क्या कहा गया है? हिंदू गर्दी की वो बात नहीं, वो किसानों की बात थी। सरकार आएगी तो सारे बदले लिए जाएंगे, किसानों की बात थी वो। ठीक है, किसानों सरकार लाएंगे आप, बिजली की यूनिट की बात कर रहे थे। एक मिनट सर, प्लीज। आप बिजली की बात कर रहे थे, सरकार आएगी तो बिजली भी मिलेगी, फ्री मिलेगी बिजली आपको 300 यूनिट। वो कैसे इंतजाम करेंगे इतने पैसे? वो सरकार 10 मार्च में सरकार बन जाएगी, उसके बाद इंतजाम करेंगे उसका भी। ठीक, अरे ओके ओके प्लीज, ऐसे नहीं। मैं सिर्फ बाबर जी सिर्फ संक्षेप में, एक मिनट सर प्लीज, बाबर जी बहुत संक्षेप में, वो कह रहे हैं हिंदू गर्दी, क्योंकि गुंडागर्दी तो शब्द सुना है, ये हिंदू गर्दी क्या होती है? वो उनके सुनने में फर्क है, वो गुंडागर्दी कह रहे थे। अच्छा गुंडागर्दी कह रहे थे विधायक जी। ओके ठीक है चलिए राजेंद्र जी, बड़े सार क्योंकि आप सांसद भी हैं, आप यहाँ पे सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी के हैं सरकार, सवाल है कि आप सांसद भी हैं, इसलिए लोगों ने सारी भड़ास आपको निकाल दी है, अब आप एक एक करके अगर जवाब दे दें और साथ में तो, एक तो बात ये बताई कि कुछ गड्ढों की बात की जी, हो सकता है एक अजय गड्ढा रह गया हो, लेकिन भाई सड़क तो बहुत बनी है मेरे भैया, दूर दूर क्षेत्रों में सड़कें बनी है। और जो सुनिए दूसरा, 2022 में आप बनाइए वो जो छोटे मोटे गड्ढे बचे वो भी सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, शिक्षा के विषय में जो कहा आपने, मैं समझता हूँ कि शिक्षा के संबंध में जितनी संजीदा मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, शायद पहले की नहीं थी। 1984 के बाद से शिक्षा नीति पर विचार ही होता रहा, हमने नई शिक्षा नीति दी है जिसके अंदर एक्सलेंस शिक्षा के अंदर हो, छात्रों को सुविधाएं हो, शिक्षकों को सुविधा, बड़ा लंबा विषय है वो, लेकिन खाली इतना मैं कहना चाहता हूँ कि सब प्रकार से, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो शिक्षार्थी हो, और चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, सबके ऊपर ध्यान करने का काम उसके अंदर किया गया है और वो हमारी प्रायोरिटी के अंदर है। और जो एक बात आपने कही, दो सवाल इंपॉर्टेंट है, एक तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट को लेकर के कि भाई यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को इतनी दूर जाना पड़ता है, दूसरी एक हस्तिनापुर की बात हुई, हस्तिनापुर में देखिए हस्तिनापुर के महत्व को स्वीकार किया है, और मैं सतीश जी तो बहुत हमारे विद्वान और जानकार व्यक्ति हैं, मेरठ को स्वतंत्र पुरातत्व सर्किल हमारी सरकार ने बनाया है, और बाकायदा यहाँ पर एक पुरातत्व के बड़े अफसर बैठते हैं, पहले नहीं बैठते थे, पहले आगरा सर्किल के अंदर आता था, और वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ी हैं, दोबारा खुदाई भी शुरू होने वाली है। इसके अलावा जो पुल आपने शायद घोषित किया था, बीच में नहीं हुआ, जो भी सरकार रही हो पूरा वो अब हुआ, चेता वाला का जो पुल है। तो सर आप लोग एक मिनट, आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, हाँ में हाँ मिला के आप लोग सिग्नल दे रहे हैं, जो लोग एक पहली मान के चल रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं बसपा और बीजेपी इस बार मिली हुई है। नहीं 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 नहीं, अशोक जी देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आदरणीय सांसद महोदय जी पूरी मेरठ की जनता के सांसद है, पार्टी के निश्चित रूप से पदाधिकारी है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन ये बात मैं जरूर कहूंगा, कुछ सवाल भी होंगे, बिल्कुल तो मैंने सवाल उठाए सर, सवाल ना चाहता हूं। बिल्कुल सवाल ना हो तो मजा क्या आता है। हाई कोर्ट की बेंच की जहां तक बात है, मैंने स्वयं ने इस विषय को उठाया, बड़ा विषय है ये, और मेरा अभिमत ये है कि जब तक हाईकोर्ट में चाहे तब तक बेंच नहीं बन सकती, अब या तो पार्लियामेंट बनाए, पार्लियामेंट सुप्रीम है वो निर्णय कर सकती है, तो मैंने इसी ढंग से विषय को पार्लियामेंट में उठाया भी है कि संपूर्ण न्याय व्यवस्था की समीक्षा की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी मेरठ है, आगरा है, गोरखपुर है, यहाँ के सांसदों ने भी मांग की थी यहाँ बेंचेज हो, और देश के अंदर भी अन्य कई स्थानों पर बेंचेज की मांग उठती रही है। मैंने इस बात को इस ढंग से कहा है कि न्याय सुलभ हो,
न्याय सस्ता हो, इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की समीक्षा की जानी चाहिए और हाई कोर्ट की बेंच बननी चाहिए। ओके, एक आखिरी सवाल, जो कि एक आखिरी सवाल आया था वो ये कि क्या उत्तर प्रदेश का विभाजन, ठीक है अटल जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग किया, उत्तराखंड एक नया निर्माण उनकी नीति थी, वो छोटे राज्य मानते थे और अब उत्तराखंड के विकास से ऐसा लगता भी है उसके फायदे भी हुए हैं, क्या काफी ट्रिकी एक सवाल है। मुझे इस बात की जानकारी है और मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के पक्ष में है, परंतु उत्तर प्रदेश का विषय इस पर सहमति नहीं बन पाती है। अब हमारे बाबरा भाई बैठे हुए हैं, समाजवादी पार्टी का तो स्पष्ट कहना है कि नहीं उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ इस पर सहमति नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के विकास की दृष्टि से कुछ प्रशासनिक स्वतंत्र इकाइयां बन सकती है, उस एक प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन कुल मिलाकर के ये विषय है। उत्तर प्रदेश का जो बड़ा साइज है और उसमें ये तो घटना जाती है कि छोटे स्टेट से वो भी एक इकाई गिने जाते हैं, उत्तर प्रदेश एक इकाई गिना जाता है, उसके कारण से बहुत बार उत्तर प्रदेश को उतना हिस्सा नहीं मिल पाता जितना उसको मिलना चाहिए। चलिए कम से कम जो कुछ रियल इश्यू थे, जनता के भी इश्यू थे, वो उठे। एक बार जोरदार ताली हमारे इस पैनल के लिए, क्योंकि मुझे लगता है बड़े संजीदगी के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ इस पैनल ने जो रियल इश्यू है उन पर चर्चा करी और उन इशू को हमें जवाब भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सब यहाँ पर आए और इस डिबेट में हिस्सा लिया, आप सबका मैं बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, और मंच पर हमारे जो पैनलिस्ट थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी, बहुजन समाज पार्टी के श्री सतीश प्रकाश जी, समाजवादी पार्टी के श्री बाबर चौहान हमारे साथ थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अभिमन्यु त्यागी, उद्योग जगत के पंकज गुप्ता और पत्रकार जेपी पांडे जी। मैं अनुरोध करूंगा दूरदर्शन के महानिदेशक महोदय से और अपर महानिदेशक महोदया से, कृपया मंच पर आकर इन सभी पैनलिस्ट्स का सम्मान करें, इनको स्मृति चिन्ह प्रदान करें। बहुत शालीनता के साथ ये डिबेट हुई, बहुत संजीदगी के साथ ये डिबेट हुई, तमाम ऐसे कोर इश्यूज थे जो इस डिबेट में उभर कर सामने आए और आप सभी पैनलिस्ट्स ने बहुत ही गंभीरता के साथ उस विषय को अपनाया और उस पर अपने विचार व्यक्त किए। जी मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरठ में लोग तालियां कम बजाते हैं, दोपहर से मैंने महसूस किया है यहां तालियां मुश्किल से बजती हैं, इनकी तालियां लेना बहुत कठिन कार्य है। लेकिन बहरहाल आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताऊं आज का अंतिम सत्र जो इस कॉन्क्लेव का होने वाला है वो केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी का साक्षात्कार होगा। मैं इन सभी पैनलिस्ट से अनुरोध करूंगा, खासकर अपने सांसद महोदय से और आप सभी से, कृपया हमारा अंतिम सत्र देखकर जरूर जाएं, उसमें केंद्रीय मंत्री महोदय का साक्षात्कार है। मित्रों दूरदर्शन के कॉन्क्लेव के अंतिम चरण में हम पहुंच रहे हैं। हमारे इस भाग के प्रायोजक हैं FSSAI, इंस्पायरिंग ट्रस्ट, अश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, LIC हर पल आपके साथ, NBCC 61 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इन बिल्डिंग द नेशन, और हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण। अब अंतिम पायदान पर धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं, अंतिम सत्र की ओर जा रहे हैं। पश्चिम का चुनावी पंच, ये था दूरदर्शन का कॉन्क्लेव जिसका अंतिम सत्र बहुत जल्द आपके समक्ष आने को है। दिन भर आप हमारे साथ यहाँ पर रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम देंगे, लेकिन पहले वो अंतिम सेशन जिसमें हम आपसे थोड़ी देर और बात करने वाले हैं, लगभग आधे घंटे का ये सेशन। हमारे ये पैनलिस्ट नीचे उतर रहे हैं। मित्रों इस सेशन में हम चर्चा करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार कितनी दमदार रही है।